नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म केडी लाइव और केडी लाइव टीचिंग पर। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भाई बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 को लेकर। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बीपीएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे थे, टीचिंग एग्जाम्स, जो कि पेपर लीक के कारण कैंसिल करने पड़ गए थे। तो इसके री एग्जाम का कैलेंडर, जिसको हम कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जाम, जो री एग्जाम होने हैं, उसका कैलेंडर जारी किया जा चुका है। इसके अलावा जो टीचिंग की टीआरई 4 वैकेंसी है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टीआरई 4 जो है, वो कब आपका प्रस्तावित है, उसके बारे में भी चीजें यहां पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सर, यदि हमने टीआरई 3.0 का फॉर्म भर दिया था, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो री एग्जाम के टाइम पर दोबारा आवेदन करना होगा क्या हमें? इन सभी बातों की जानकारी के लिए मैं रजत शर्मा आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाइए सभी दोस्त, देखते हैं। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर यह एग्जाम कैलेंडर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस एग्जाम कैलेंडर की बात करें तो दोस्तों, ये आपका 18 तारीख को ही रात को आया था कैलेंडर आपका, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि यहां पर टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के बारे में क्या बातें कही हुई हैं। देखिए, यदि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं इसको, तो देखिए यहां पर क्लियर ये बात मेंशन है, जो दसवें नंबर पर दसवां पॉइंट है, क्या कि स्कूल टीचर री एग्जाम जो है, स्कूल टीचर का री एग्जाम जो होना है वो कब होगा? 10/6/2024। क्या लिख रहा है? 10/6/24 से लेकर 12/6/24 तक होगा। इसका मतलब 10, 11, 12 जून को आपका एग्जाम होने वाला है टीआरई 3.0 का। 10, 11, 12 जून, प्लीज इस डेट को सेव कर लें। 10 से 12 जून को आपका टीआरई 3.0 का एग्जाम होने वाला है, यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना दोस्तों। आप सभी इसकी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए, और इसके कोई भी दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म आपको दोबारा नहीं करने, आवेदन नहीं करने, पुराने आवेदन के हिसाब से आपका फॉर्म से ही आप पेपर दे सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म पहले भरा हुआ था, वही बच्चे इसका आवेदन नहीं करने की जरूरत होते हुए अपने तैयारी में लग जाइए, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद एक और बच्चों की कंफ्यूजन है कि सर, टीआरई 3.0 का तो हो गया, हम इसका फॉर्म नहीं भर पाए थे, या किन्हीं भी कारणों से हम इसको भर नहीं पाए थे, तो क्या अगली कोई टीचर रिक्रूटमेंट वैकेंसी नहीं होगी? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए, यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो टीआरई 4.0 है, इसी को टीआरई 4.0 कहेंगे हम। टीआरई 4.0 जिसके फॉर्म या एग्जाम हम कह सकते हैं कब से आएंगे एग्जाम, तो 24 अगस्त से इसके एग्जाम हैं, 24 अगस्त से। इसका मतलब कंफर्म है कि टीआरई 4.0 का एग्जाम भी होगा, और ये 24 अगस्त से प्रस्तावित है। तो इसकी तैयारी में भी आप सभी लोग जुड़ जाइए। बिहार जो सरकार है, आप सभी के लिए बंपर भर्तियां निकाल रही है टीचिंग के क्षेत्र में, तो आप सभी साथी इसके साथ जुड़े रहिए, और ऐसी ही जानकारी की खबरों के लिए हमारा YouTube चैनल केडी लाइव, और टीचिंग वाले बच्चों के लिए, यदि मैं बात करूं जो टीचिंग वाले बच्चे हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग एग्जाम के तैयारी वाले बच्चों के लिए, टीचिंग एग्जाम में चाहे सीटेट हो आपका, चाहे आपका बिहार का एग्जाम हो, ठीक है ना, चाहे आपका दिल्ली का एग्जाम हो, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, आपका यूपी का एग्जाम हो, हरियाणा का हो, ठीक है ना, आपका कहीं का भी एग्जाम हो, तो टीचिंग के लिए केडी कैंपस ने, केडी लाइव ने एक बहुत ही बेहतरीन अलग से चैनल बनाया हुआ है, जिसका नाम है केडी लाइव टीचिंग। आप इस केडी लाइव टीचिंग से जुड़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैनल आप सभी को पढ़ा रहा है। बहुत सारे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इस पर विश्वास कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन चैनल है। तो आप इससे जुड़िए, और टीचिंग की तैयारी के लिए आप हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल यहां पर YouTube पर आपको क्लासेस मिल रही हैं। तो आप सभी जुड़िए यहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। इस केडी लाइव टीचिंग को आप सभी जरूर ध्यान रखें, बच्चे सभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नाम है केडी लाइव टीचिंग।
ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।